और चलिए अब ग्राउंड जीरो की शुरुआत करेंगे। बलौदा बाजार में दिल दहला देने वाले हत्याकांड की बात करेंगे। बलौदा बाजार में कुल्हाड़ी से वार करके एक परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई। वजह, जादू टोने का शक। टोना ही सबसे बड़ी दिक्कत छत्तीसगढ़ की, झारखंड की। हत्यारे भी एक ही परिवार से हैं। हमारे रिपोर्टर आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे कि हत्याकांड के बाद गांव में किस तरह का माहौल है, कैसे मातम है। पड़ताल एमपी में गली गली चल रही मौत की दुकान की भी करेंगे। रायसेन में हाल ही में झोला छाप डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, लेकिन जब न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हकीकत कुछ और नजर आई। झोला छाप डॉक्टर की जिन दुकानों पर ताला लग गया था वो तो फिर खुल गई है। जिले में फिर से झोला छाप डॉक्टर्स की दुकान चलने लगी है। तो बलौदा बाजार में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। जादू टोने के शक में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई। घटना छरछेद गांव की है। आरोपियों में एक महिला और बच्चे भी शामिल हैं। दो महिलाएं शामिल हैं। कुल्हाड़ी से वार करके चार लोगों का मर्डर कर दिया गया। हत्याकांड के छह आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों में एक महिला है, एक नाबालिग है। आरोपियों को शक था कि जादू टोने की वजह से उनके परिवार पर विपत्ति आ रही है, लिहाजा वो पूरे परिवार को खत्म करने चले गए। शुक्र यह था कि उस दिन परिवार के दो लोग बाहर थे, वरना ये छह लोगों को मौत के घाट उतारने निकले थे। वैसे तो अंधविश्वास ही है ना। जिस प्रकार से मृतक के भाई है वो बतला रहे थे कि दोपहर 3 बजे जो अपराधीगण है वो लोग घर गए थे और धमकी चमकी दे करके आए थे, और पता नहीं क्या हुआ कैसा हुआ, फिर शाम को जा कर के ये वारदात को अंजाम दिए हैं, और इस टाइप का माने बहुत ही दुखद घटना है। अंधविश्वास बलौदा बाजार में मौत का कारण बन चुका है। चार लोगों की मौत आखिर अंधविश्वास ही एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। घर के तमाम लोग मौजूद हैं और देख सकते हैं किस तरह से रो रहे हैं, और बलौदा बाजार में अंधविश्वास इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया कि लोगों ने घर पहुंचकर चार लोगों की एक मासूम समेत हत्या कर दी। कारण ये है कि जादू तोड़ने का शक, लिहाजा ये पूरा मामला क्या है न्यूज 18 तो दिखाएगा, लेकिन अंधविश्वास के लिए न्यूज 18 ये भी कहता है कि लोग इससे दूर रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लोगों की जान का कारण बन सकता है। ये देख सकते हैं लोग किस तरह से अंधविश्वास के चलते यहाँ पर चार लोगों की हत्या के बाद घर में लोगों द्वारा यहाँ पर जो मातम की स्थिति आप देख सकते हैं। आप भी इस वीडियो को देखने के बाद ये कहेंगे कि लोग किस तरह से अंधविश्वास को कारण को मौत में दिखाएं। लिहाजा न्यूज 18 इस मौके पर मौजूद है और आपको दिखाएगी कि अंधविश्वास आखिर किस तरह से मौत का कारण बन गई और चार लोगों की हत्या हो गई है। लिहाजा उस पूरे मामले पर पुलिस ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की, जिसमें से एक नाबालिग है, और पुलिस और आगे के लिए स्पष्टीकरण के लिए अपनी जानकारी और पूछताछ उनसे ले रही है। कि ये चार लोगों की हत्या हुई है, दो परिवार पूरी तरह तबाह हो गए, इसे ऐसे समझिए, तब आप इसकी गहराई को समझ पाएंगे। बलौदा बाजार लिए चलते हैं। योगेश यादव हमारे सहयोगी बलौदा बाजार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, क्या कुछ अपडेट? एक तरफ अंतिम संस्कार की तस्वीरें होंगी, दूसरी तरफ जिन्हें गिरफ्तार किया गया, दो परिवार अंधविश्वास ने हमेशा के लिए तबाह कर दिए। योगेश, बिल्कुल आपको बता दें कि बलौदा बाजार में जो अंधविश्वास हैं, सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाऊं कि किस तरह से, जिस तरह से दो यहां पर शव को मुखाग्नि दी गई है, उसमें जो दो शव हैं, एक में माँ और बेटे जो हैं वो उसको ले गए हैं, लेकिन जो दो शव हैं यहां पर उनको मुखाग्नि दी गई है, और जो तमाम जो ग्रामीण हैं वो देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। अंधविश्वास बलौदा बाजार में
इतना दर्दनाक अंजाम ले देगा ये किसी को पता ही नहीं चला कि चार लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। हालांकि इस पूरे मामले पर बलौदा बाजार पुलिस ने कुल 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। हम घर के उस सदस्य से बात करेंगे जो बाहर थे और बच गए, इनकी माँ भी थी वो भी बच गई, उनसे बातचीत करेंगे, कैमरे को पास लाएंगे और इनको दिखाना चाहते किस तरह से इनको रो रो का पूरा हाल है। आखिर कैसे हुई ये घटना? ये हम लोग के घर में जाकर उन लोग करीबन 3:30 बजे का मारने पीटने का टोनहा है सभी को मारने की धमकी दे रहे थे। उसके बाप, उसके बेटे और उसके बेटी तीनों लोग आए थे। उसके बाद मैं जब माँ को लेकर अस्पताल गया था तो तबीयत खराब हो गया, तो घर से बाहर निकला तो मेरे जाने के बाद जस्ट 10-15 मिनट पहले उन लोग आए और मेरे घर परिवार के सभी सदस्यों को जान से मारे, हथौड़े से हथियार लेकर आए थे। देख सकते हैं कहीं ना कहीं भुवनेश्वर के जो आंखों में आंसू है ये बता रहे हैं कि अंधविश्वास बलौदा बाजार में मौत का कारण बन गया और इनके घर के 4 लोगों की जान चली गई। अगर काश ये भी रहते तो ये भी घटना को इनके भी साथ हो सकती थी। लिहाजा जिला प्रशासन द्वारा इसको लेकर समिति बनाई जा रही है कि अंधविश्वास जिले में जिस तरह से मौत का कारण बना हुआ है। ये बताइए, जिला प्रशासन की टीम पहुंची थी? जिला प्रशासन की टीम पहुंची थी, मेरे पहुंचने से पहले पहुंची थी उन लोग, मैं तो बाद में पहुंचा हूं। बहुत जान से मारे हैं और मेरा दीदी था जो। क्या चाहते हैं बाकी आरोपियों की? मैं आरोपियों के लिए उसे फांसी की, आरोपियों के लिए मैं मुआवजा चाहता हूं, क्योंकि मेरे बड़े भैया था वो सभी का पालन पोषण देख रेख कर रहा था और मैं सबसे छोटा हूं और मेरा देख रेख करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं शासन से मुआवजा बहुत जल्द चाहता हूं, क्योंकि बहुत ही दुखद घटना है और बहुत ही गंभीरता घटना हुआ है, इसलिए मैं तत्काल मुआवजा राशि शासन से चाहता हूँ। देख सकते हैं कि जिस तरह से शासन से मुआवजे की वो मांग कर रहे हैं और वो पति भी मौजूद हैं जिनकी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जी किस तरह से घटना हुई, आप उस समय घर में मौजूद थे? घर में मौजूद नहीं था, मैं अपने गांव में था, मुझे जानकारी मिला तो मैं आया। क्या वजह रही हत्या की, क्या कैसे इतनी बड़ी घटना हुई, क्या लगता है? ये घटना नहीं होना चाहिए था और ये धमकी देकर चले गए थे, बोल रहे थे। कब धमकी देकर गए थे? वो काल धमकी दिए थे 3-4 बजे के आस पास है, सूचना मिला तो मुझे पता चला। क्या